सब्सक्राइब कीजिए लॉ अपडेट्स यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें न्यू लॉ रिलेटेड जानकारी के लिए। धारा 498 ए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत शिकायतें एक ऐसी जगह पर दायर की जा सकती है जहां एक महिला जो अपने वैवाहिक घर से बाहर निकाली गई है आश्रय लेती है। इसमें एक केस है रूपाली देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित प्रश्न पर विचार किया। क्या उस मामले में जहां पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के साथ उसके वैवाहिक घर में क्रूरता की गई थी और जहां वह महिला उस वैवाहिक घर को छोड़ देती है और एक अलग जगह पर स्थित अपने माता पिता के घर में शरण लेती है, तब क्या पत्नी के पैतृक घर के स्थान पर स्थित अदालतें धारा 498A के तहत शिकायत को सुन सकती है, वो भी तब जब पति द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का कोई भी कार्य पत्नी के उस पैतृक घर में नहीं किया जाता है। पीठ ने यह कहा कि शारीरिक क्रूरता या अपमानजनक मौखिक आदान प्रदान से उत्पन्न मानसिक क्रूरता माता पिता के घर में भी जारी रहेगी, भले ही ऐसी जगह पर शारीरिक क्रूरता का कोई भी कार्य नहीं किया गया हो। इस प्रकार यह माना गया कि जहां पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के खिलाफ की गई क्रूरता के कृत्यों के कारण वह महिला अपने वैवाहिक घर से चली जाती है या घर से भगा दी जाती है और वह कहीं और शरण लेती है, तब तथ्यात्मक स्थिति पर निर्भर होते हुए उस स्थान पर स्थित अदालतों का भी ऐसे मामले का संज्ञान लेने का अधिकार क्षेत्र है और ऐसी अदालतें भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत अपराधों के कमीशन का संज्ञान ले सकती है। दूसरा केस, जिस महिला के साथ क्रूरता की गई जरूरी नहीं कि वह उसकी शिकायत स्वयं करें। रश्मि चोपड़ा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। यहां न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की खंडपीठ ने इस बात पर विचार किया कि चूंकि मामले की शिकायत महिला द्वारा स्वयं नहीं की गई है बल्कि उसके पिता द्वारा दायर की गई है, तब क्या इसे अदालत द्वारा संज्ञान में लिया जा सकता है। इस सवाल का जवाब देते हुए यह माना गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A इस पर विचार नहीं करती है कि धारा 498A के तहत अपराध के तहत शिकायत केवल उन पीड़ित महिलाओं द्वारा जो पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता की शिकार है दायर की जानी चाहिए। धारा 498A में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह संकेत दे सके कि जब किसी महिला के साथ क्रूरता की जाती है तो आवश्यक रूप से महिलाओं द्वारा ही उस मामले की शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। तीसरा केस, फैमिली वेलफेयर कमेटी को ना। सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार बनाम भारत संघ। सितंबर 2018 में तीन जजों की बेंच ने राजेश शर्मा मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के दुरुपयोग को रोकने के लिए जारी किए गए निर्देशों को संशोधित किया। इस मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जारी पूर्व निर्देश का पुनरावलोकन किया गया कि पुलिस द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई से पहले परिवार कल्याण समितियों द्वारा धारा 498A IPC के तहत शिकायतों की जांच की जानी चाहिए। हालांकि दो जजों की बेंच द्वारा इस मामले में जारी अन्य निर्देशों में हस्तक्षेप नहीं किया गया था। नेक्स्ट केस, 498A के दुरुपयोग को रोकने के निर्देश। राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। न्यायमूर्ति A.K. गोयल और यू ललित की दो सदस्य पीठ ने यह देखा कि धारा 498A को कानून में इसलिए स्थापित किया गया था जिससे पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा महिला के खिलाफ की गई क्रूरता को दंडित किया जा सके, खासकर ऐसे मामले में जहां उस क्रूरता के चलते महिला के आत्महत्या करने या हत्या होने की संभावना होती है। पीठ ने धारा 498A के अंतर्गत बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए जाने पर भी अपने चिंता व्यक्त की जिसमें विवाहित महिलाओं के साथ उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। पीठ ने निम्नलिखित निर्देशों को निम्न अनुसार जारी किया। पॉइंट नंबर 1, धारा 498A और अन्य जुड़े अपराधों के तहत शिकायतों की जांच केवल क्षेत्र के एक नामित जांच अधिकारी द्वारा की जा सकती है। आज से एक महीने के भीतर ऐसे पदनाम बनाए जा सकते हैं ऐसे नामित अधिकारी को ऐसी अवधि जिसे उपयुक्त माना जा सकता है के लिए
प्रशिक्षण से गुजरना पड़ सकता है। प्रशिक्षण आज से 4 महीने के भीतर पूरा हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, ऐसे मामलों में जहां कोई समझौता होता है, यह जिला और सत्र न्यायाधीश या जिले में उनके द्वारा नामित किसी अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के लिए खुला होगा कि वह कार्रवाई के निपटान के साथ आपराधिक मामले को बंद करें यदि विवाद मुख्य रूप से वैवाहिक कलह से संबंधित है। पॉइंट नंबर 3, यदि लोक अभियोजक या फिर शिकायतकर्ता को कम से कम एक स्पष्ट दिन के नोटिस के साथ जमानत याचिका दायर की जाती है तो जहां तक संभव हो यह उसी दिन से हो सकता है। विवादित देज की वस्तुओं की वसूली स्वयं जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती है। यदि रख रखाव, पत्नी, नाबालिग, बच्चों के अन्य अधिकारों को अन्यथा संरक्षित किया जा सकता है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि जमानत के मामलों से निपटने में व्यक्तिगत भूमिका, आरोपों की प्राथमिक सच्चाई, आगे की गिरफ्तारी की आवश्यकता और न्याय के हित को सावधानीपूर्वक तोला जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, आमतौर पर भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संबंध में पासपोर्ट या रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना नियमित नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, यह जिला न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश द्वारा नामित एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के लिए खुला होगा कि उनके द्वारा पार्टियों के बीच वैवाहिक विवादों से उत्पन्न होने वाले सभी जुड़े मामलों को क्लब करें ताकि न्यायालय, जिसे सभी मामले सौंपे गए हैं, द्वारा एक समग्र दृष्टिकोण लिया जाए। पॉइंट नंबर 6, परिवार के सभी सदस्यों और विशेष रूप से बाहरी सदस्यों के व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो सकती है और परीक्षण अदालत को परीक्षण की प्रगति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की अनुमति या उपस्थिति से छूट देने की आवश्यकता होगी। पॉइंट नंबर 7, यह निर्देश शारीरिक चोटों या मृत्यु से संबंधित अपराधों पर लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट केस, धारा 498A या फिर 306 भारतीय दंड संहिता आकर्षित करने के लिए पति द्वारा मात्र विवाहेतर संबंध क्रूरता नहीं। प्रकाश बाबू बनाम कर्नाटक राज्य। इस मामले में यह देखा गया कि केवल इसलिए कि पति एक विवाहेतर संबंध में शामिल है और पत्नी के मन में इसको लेकर कुछ संदेह है, इसे मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता है, जिससे भारतीय दंड संहिता की धारा 498A 306 आकर्षित हो सके। अभियोजन का मामला यह था कि पत्नी बहुत आहत महसूस करती थी और अंततः पति के आचरण, जो विवाहेतर संबंध में कथित रूप से शामिल था, को झेलने में असमर्थ होने के कारण उसने अपने जीवन का अंत कर दिया। उच्च न्यायालय ने धारा 498A के तहत पति को दोषी ठहराते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था और उसे अपनी पत्नी की आत्महत्या के लिए दोषी ठहराया था। विवाहेतर संबंध एक अवैध या अनैतिक कृत्य हो सकता है, लेकिन अन्य सामग्रियों को सामने लाया जाना चाहिए ताकि यह एक आपराधिक कृत्य का गठन कर सके, पीठ ने सजा को रद्द करते हुए कहा था। नेक्स्ट केस, ऐसी घटनाएं जो पत्नी की मौत से पहले घटित हुई है उन्हें ऐसे आचरण के रूप में नहीं माना जा सकता है जिसके कारण उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। जगदीश राज खट्टा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि आत्महत्या से बहुत पहले पति और पत्नी के बीच हुई घटनाएं उस आचरण के रूप में नहीं मानी जा सकती जिसने उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। इस मामले में पति द्वारा कथित क्रूरता की उन सभी घटनाओं को मृतक द्वारा आत्महत्या के बहुत पहले अंजाम दिया गया था, इसलिए उन्हें मृतक को इस कदम को उठाने के लिए उकसाने के तत्काल कारण के रूप में नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट केस, जब तलाक के लंबे समय बाद शिकायत दर्ज की जाती है तो अभियोजन पक्ष स्थायी नहीं हो सकता है। मोहम्मद मियां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। यह माना गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत अभियोजन तब नहीं ठहर सकता है जब शिकायत तलाक के लंबे समय बाद दर्ज की जाती है। इस मामले में FIR दर्ज होने से लगभग 4 वर्ष पहले इस दंपति का तलाक हो गया था। नेक्स्ट केस, 498A के अंतर्गत दोष मुक्ति अभियोजन द्वारा आत्महत्या का उत्प्रेरण सिद्ध करने हेतु धारा 113A के उपयोग पर लगाएगा रोक। हीरा लाल बनाम राजस्थान राज्य।
शीर्ष अदालत की पीठ ने यह देखा कि पत्नी की आत्महत्या के मामले में धारा 498 ए आईपीसी के तहत रिश्तेदारों या पति को बरी होना साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के तहत उपलब्ध प्रिजम्पशन का अभियोजन द्वारा आत्महत्या का उत्प्रेरण सिद्ध करने पर रोक की तरह कार्य करेगा। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनागौदर की पीठ ने यह भी कहा कि उत्पीड़न क्रूरता की तुलना में कुछ हद तक कम है और केवल इस तथ्य के पता लगने से कि उत्पीड़न किया गया था यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि आत्महत्या के लिए उत्प्रेरण दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और हाँ, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।